अनारकली की सलवार कम्बल कोल्हापुरी एक मुशायरे में आगरा गए थे और वहाँ से फतेहपुर सिकरी देखने चले गए। वहाँ के म्यूजियम में खुदाई के दौरान मिली कुछ चीजें रखी थी और कुछ बिक्री के लिए भी मौजूद थी। उसमें एक बहुत खूबसूरत चीनी मिट्टी का फूलदान था। दाम कुछ ज्यादा नहीं था इसलिए कम्बल ने खरीद लिया। जब वे कोल्हापुर वापस आए तो गलती से वे गिर कर टूट गया। उन्हें दुख हुआ बहुत पर रानी ने बताया और दिखाया कि फूलदान से भी कीमती चीज हमारे हाथ लगी है। बहुत ही बारीक सिल्क की बुनी हुई बनी है। एक सलवार थी इतनी हल्की और बारीक धागों से बुनी थी कि एक मुट्ठी में आ सकती थी। वो फूलदान के एक कोने में डूबी हुई थी। इसको मुट्ठी में लेकर कम्बल इतिहास के सुरमई अंधेरे में डूब के खोए हुए अपने ख्यालों के तूफान में। अनारकली उनकी प्रिय पात्र थी और उनको कल्पना की अनारकली से इतनी महोबत थी जितनी शायद सलीम को भी नहीं होगी। सलीम अनारकली की प्रेम कथा और मुगले आजम अकबर की गलत दखल अंदाजी कम्बख की चेतना को झिंझोड़ देती। कई शेर और कई कहानियां कम्बख ने खुद रच डाली। उनमें से एक थी दास्तानी सलवार अनारकली की जिसको आप पढ़ रहे हैं। जब अकबर ने अनारकली को चुनवा दिया तो सलीम इस कदर गम की गहराई में डूब गया कि उसकी माँ जोधा परेशान हो गई और उसकी सुकून के लिए जोधा बाई ने अनारकली की सलवार लाई और सलीम को थमा दी। सलीम अनारकली की याद और उसकी प्रतीक में इतना उलझ गया कि अपने गले में उसको लपेट कर अपना क्रम प्रकट करने लगा और अक्षर ध्यान में खो जाता और उसे गले में लपेट कर सैर हो जाता। कभी कभी राजकाज के दफ्तर में और यहाँ तक कि छोटे मोटे जंग में भी इसे साथ रखता। गले के इर्द-गिर्द गोलबंद की तरह और जब भी इच्छा होती इसमें अपना हाथ फेरता। उसे महसूस होता कि उसकी उंगलियां अनारकली के जिस्म पर दौड़ रही है। ऑब्सेशन और जुनून इतना बढ़ गया कि मुगले आजम के सामने और दरबार में भी इसे लपेट कर आता और लोग उसके पीछे उसकी हंसी उड़ाते। बादशाह ने एक उपाय सोचा। उसको चीनी मिट्टी के फूलदान में भरकर उस सलवार को फतेहपुर सिकरी के मिट्टी में दफन कर दिया। उसी फतेहपुर सिकरी की जमीन पर जहां अकबर को किसी पीर के आशीर्वाद से सलीम प्राप्त हुआ था। इससे अच्छी जगह और अच्छा हश्र उसका उन्हें नहीं सूझा। सलीम कुछ दिनों तक खोजता रहा इसको दीवारों की तरह। यहाँ तक कि अनारकली से ज्यादा उसे उसकी सलवार से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों में सलीम भूल गया उसको और उस सलवार को पहनने वाली अनारकली को। उसकी जिंदगी में नूरजहां एक खुशनुमा बहार की तरह आने लगी थी। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित ये कहानी कम्बख ने अपनी ख्यालातों की आमी में पैबंद होकर लिख डाली। लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत और फायदेमंद योजना ने जन्म लिया। उस अनारकली की सलवार को फोड़ा और मतमैला कर उसका प्रचार आरंभ कर दिया कि उन्हें अनारकली की सलवार मिली है फतेहपुर की खुदाई के दरमियान। इसकी शोहरत इतनी बढ़ी कि उनके घर लोगों की लाइन लग गई और कुछ पीस लेकर वो उसे दिखाने लगे। कुछ ज्यादा पीस देकर दर्शक अपनी उंगलियां फेर सकते थे उस महीन तुलसी हल्की रेशम पर। अच्छी खासी आमदनी होने लगी और उनकी बीवी रानी ने इस योजना का विरोध नहीं किया और सहयोग देने लगी। क्योंकि सारी आमदनी उसके कब्जे में होगी इसलिए रानी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। पर जब कम्बल उसे गले में डाल कर बेडरूम में भी सोने लगे तो रानी ने उसे छीन कर अलमारी में रख कर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख दी। उसके बाद ताला उसे वक्त खुलता जब दर्शक आग्रह करते कि वह थोड़ा ज्यादा दाम देकर उस पर अपना हाथ फेरेंगे। यहाँ तक कि लड़कियाँ और औरतें भी हाथ फेरने लगी। खैर अनारकली की इतनी मशहूर हुई कि हिंदुस्तान के कई शहरों में और बाहर भी वे इस खूबसूरत ऐतिहासिक चीज को लेकर कई शहरों में जाने लगे और नगरी में इसे रख कर या म्यूजियम में रेंट लेकर इसे हजारों लोगों को दिखने लगे। उनकी फीस भी बढ़ती गई। कई म्यूजियम ने इच्छा प्रकट की उसे खरीदने की किंतु कम्बख ने बहुत ज्यादा दाम बताया। वे इस इंतजार में थे कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर और साइले के साथ नीलाम कर पैसा वसूल करेंगे। लखपति और करोड़पति बनने का खाब उनके सिर पर चढ़ गया और रानी भी बेहद खुश थी पैसों की इस बरसात से। यहाँ तक कि उनका रिश्ता भी मियां बीवी का और भी खूबसूरत हो गया। पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू भी लिया और कम्बल की शोहरत भी बढ़ने लगी और बाजार गर्म होने लगा। लोग अब ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो गए। उसे देखने छूने सहलाने और रेत पर उसे पहनने का सिलसिला चालू हो गया। फीस पर कुछ औरतें एक दो रात के लिए ले जाती लेकिन उसका भाव बहुत ज्यादा था और लौटाते वक्त वे शर्मा कर कहती इसे पहनने पर अनारकली सपने में आती और मुझे आशीर्वाद देती है इसलिए कि मैंने उनकी सलवार इतना कीमती समझा। और कभी कभी घूमनी के रूप में आती है और बदन से सलवार उतारने और छीनने की कोशिश करती। इस छीना छपटी में जब मैं उठ जाती हूँ तो देखती हूँ कि हमारे पति ही कोशिश कर रहे थे सलवार उतार
रुक्स मांगना शुरू किया और कपट वाजिब दाम लेकर ऐसी ही सलवार की हुर बहुत कॉपी बनवा कर बेचने लगे और उसे पहनने के बाद औरतों का वो ही रिपोर्ट आता कि आनंद रखने सपने में आती है, कभी दुआ देती है और कभी भूखी बनकर अपनी सलवार झपटने की कोशिश करती है। इस कहानी का क्लाइमेक्स तो होना ही था, एक बड़ी गैलरी और एक बड़े ऑक्शन के एजेंट जो विदेशों में पेंटिंग और ऐसी ऐतिहासिक चीजों में जैसे टीपू सुल्तान या शिवाजी की तलवार या जीसस के इस्तेमाल की चीज जिसकी नीलामी करने में माहिर थे और बहुत अच्छा सौदा पता कर उसके मालिक को भी देते थे अपना कमीशन काट कर। उन्होंने ऐसा ही किसी विदेशी के एजेंट को बुलाकर इसकी नीलामी का आयोजन किया और वो भी फतेहपुर की सिकरी के मैदान में पूरे इश्तेहार के साथ। जगह जगह से बोली बोलने वाले आने लगे। म्यूजियम के एजेंट भी अपने बजट को थोड़ा और बढ़ाकर खरीदने की मंशा से आने लगे। नीलामी शुरू हुई, भव्य आयोजन था और एयर कंडीशन टेंट में जिसमें नामी गिरामी खरीदार और म्यूजियम अधिकारी टिके थे और इन मशहूर व्यक्तियों में शामिल थे कंबख कोल्हापुरी और उनकी बीवी रानी जौनपुरी। नीलामी का दौर शुरू हुआ लेकिन बहुत देर तक बोली चला क्योंकि जब भी कोई बोली होती तो कोई दूसरा बोल देता था। भाव 2 घंटे हो चुके थे और नीलामी की कीमत आसमानों को छू रही थी और एक मशहूर अमेरिकी म्यूजियम जो पैसा चेक किया ऑनलाइन पेमेंट करने वाला था पर एक कारीगर नुमा सफेद मुछ दाढ़ी और बाल से ढका हुआ चेहरा वाला इंसान वहां पहुंचा और चिल्लाकर कहने लगा। उसका ऐलान बहुत ही हैरत अंदेज था, सब गौर से सुनने लगे। उसका नाम सलीम अली था जो आगरे का मशहूर कारीगर और बुनकर था। वह बेहद बारीक और हल्का कपड़ा बुन लेता था सूती या रेशमी। वह चिल्लाकर कहने लगा, ये सलवार फर्जी है, अनारकली की नहीं है। सारी योजना कंबख के दिमाग की है और सारी कहानी उन्होंने बुनी है। मैंने खुद इसका बारीक सिल्क का कपड़ा बुना और सलवार तैयार किया और जब कंबख की योजना बनी तो उन्होंने मुझे शरीक किया इस ऐतिहासिक जानसाजी में। कुछ दिन तक तो पैसा मिला फिर बंद हो गया। इनके माल में पूरा माल हथियाने का लोट आ गया। मैंने इस बात का साबुत भी लाया और ऐसी ही सलवार तैयार करने लाया हूँ, ये देखिए। और सलीम अली ने अनारकली की दूसरी सलवार पेश कर दी। भाजा फूट गया, कंबल को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, उनकी 3/4 आमदनी और धन जब्त कर दिया गया। लेकिन जज ने दया कर सलवार उनके हाथों में ही रहने दिया, आखिर उसकी कीमत ही क्या थी। जब कंबल जेल जाने लगे तो रानी ने सहानुभूति दिखाते हुए ये उन्हें पेश किया, वे सलवार जिसको लपेट कर सहला कर और जोड़ कर कंबल ने जेल के दिन काटे। जब 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए तो रानी के जन्मदिन पर इसी का तोहफा दिया उन्होंने उसे एक मैचिंग कुर्ता के साथ। उसे पहनकर रानी खुद को फैशन मॉडल और ब्यूटी क्वीन समझने लगी। उन्होंने मोहल्ले के एक फैशन शो में भाग लिया जिसमें वो टॉप में आई। इस तरह से दास्तान अनारकली की खत्म हुई और सबसे ताजुब की बात ये हुई कि इस सलवार की कॉपी मोहल्ले की औरतों ने खरीदना बंद नहीं किया और उनको सपने भी आने लगे सलवार पहन कर की अनारकली उन्हें दुआ दे रही है या घूमनी की तरह उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। इंसान अपना भ्रम या अंधविश्वास छोड़ने नहीं चाहता है क्योंकि उसे इससे कुछ तसल्ली और सुख मिलता है। अच्छा है गाने में, दिल इसमें लोड हो गया ना। अच्छा।